लड़का जो हर समय अपने एक दोस्त के साथ रहता था, उस दोस्त ने किया धोखा, तो उस धोखे ने जिंदगी बदल दी, तो दूसरे दोस्तों ने की मदद। यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद आईएएस अधिकारियों की कहानी दिलचस्प और दिल छूने वाली बन जाती है। कुछ यूपीएससी सक्सेस स्टोरी लंबे समय तक ही दिमाग में छाई रह जाती है। वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन एक दोस्त से मिले धोखे ने उनकी जिंदगी इस कदर बदल दी कि बन गए एक बड़े आईएएस अधिकारी। इनका ये सफर इतना आसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सफ़ैर अहमद, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यूपीएससी परीक्षा की गिनती देश की नहीं बल्कि दुनिया भर की परीक्षाओं में की जाती है। यूपीएससी परीक्षा के तीनों चरणों को पास कर पाना इतना आसान भी नहीं है। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले ऑफिसर्स की सक्सेस मोटिवेशन कहानियां बन जाती है। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक भिंड जिले के एक छोटे से गांव महुआ के रहने वाले नरेश राजपूत जी की ये कहानी है। अब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे, आज उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक समय पर उन्होंने आर्थिक हालातों से लड़ने के साथ ही एक खास दोस्त का धोखा भी सहन किया था। उस धोखे ने ही उन्हें यूपीएससी परीक्षा देने के लिए ही तैयार किया था। जानिए आईएएस नरेश राजपूत की ये सक्सेस स्टोरी। आईएएस नरेश राजपूत जी ने अपनी जिंदगी के काफी कठिन पल देखे हैं। उनके पिताजी एक दर्जी का काम करते थे। उनके पास अपनी कोचिंग की और स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे। नरेश राजपूत जी ने घरों में अखबार बांट बांट कर अपनी कोचिंग की और स्कूल की फीस भरने के पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने बीएससी और एमएससी दोनों में ही टॉप किया है। इतने कठिन हालात होने के बावजूद भी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। नरेश जी को दोस्तों ने दिया था बड़ा धोखा। नरेश राजपूत जी घर के आर्थिक हालातों से तो जंग लड़ ही रहे थे। उनके एक अजीज दोस्त ने भी धोखा देकर उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया था। नरेश राजपूत जी ने दोस्तों ने यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था, लेकिन 2 सालों कड़ी मेहनत करने के बाद उनको यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। दूसरे दोस्तों की मदद इस धोखे के बाद नरेश राजपूत जी दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे एक दोस्त से नोट्स उधार लेकर ले लिए। दरअसल नरेश राजपूत जी के पास कोचिंग ज्वाइन करने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों ने भी उनको धोखा देकर के उनकी परेशानियों को और भी बढ़ा दिया था। इंस्टीट्यूट में 2 साल मेहनत करने के बाद जब इंस्टीट्यूट अच्छा खासा चलने लगा, तब उनके दोस्तों ने ही नरेश राजपूत जी को वहां से निकाल दिया। उनके पास ट्यूशन में दाखिला लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। नरेश राजपूत जी ने गरीबी को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है। इनके लिए एक समय भी ऐसा था कि अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई की है। उस धोखे ने ही नरेश जी को यूपीएससी की तैयारी के लिए किया था तैयार। जब उनको इस दोस्त ने दिया इंस्टीट्यूट धोखा, तो दूसरे दोस्तों ने उनकी ही की थी मदद। जब इतने करीब दोस्त ने दिया था धोखा, इन्होंने तब यूपीएससी की तैयारी में जी जान लगा दी। अपने भाग्य और भविष्य को बदलने की चाह में हर मुश्किल
परिस्थिति का सामना करते हुए 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में फेल होने के बाद 2013 की कठिनाइयों से भरा रहा कोचिंग की फीस और किताबें खरीदने के पैसे भी न होने के बावजूद नीरज जी ने नहीं मानी हार और करते रहे कठिन परिश्रम। वो अपने परिवार के साथ 15x40 फीट के कमरे में घर के मकान में रहते थे। शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की। वो दिल्ली में मखवीर नाम के एक छोटे से गांव में किराए के मकान कमरा लेकर के रहते थे। हालांकि अपनी मेहनत के दम पर नीरज जी ने 370वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बन गए। उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी खुद की थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर हमें कोई सुझाव देना है तो कमेंट करें। ऐसी एक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको मोटिवेशन कहानियाँ मिलेंगी। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।